नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ स्वाति। खबर ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन को लेकर है, जहां प्रभावित क्षेत्र को 3 सांसदों ने बेरोजगारों के मुद्दे को संसद में उठाया है। सदन में मुद्दा उठने के बाद किसान नेता ने सभी सांसदों को धन्यवाद ज्ञापित किया है। ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन का कार्य जोरों पर है, लेकिन यहाँ अधिग्रहित की गई जमीन और किए गए वादे की पूर्ति न होने के चलते किसान लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान नेता सुब्रतमणि त्रिपाठी किसान साथियों के साथ लगातार जहां रेल विभाग से पत्राचार कर रहे थे, वहीं इस क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों का घेराव और ज्ञापन भी दे रहे थे। इसी का नतीजा था कि कुछ समय बाद रेलवे ने वेबसाइट में यह जानकारी अपलोड की थी कि जिन किसानों के परिजनों को नौकरी नहीं मिली है, उन्हें शीघ्र ही नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों ने राहत की सांस ली, लेकिन नियम बदलने की जानकारी देने के बाद एक बार फिर नौकरी देने की कार्यवाही अधर में लटक गई थी, जिसके बाद किसान आंदोलन के लिए बाध्य हुए और ललितपुर सिंगरौली मार्ग में आने वाले चारों लोकसभा के सांसदों को ज्ञापन सौंपकर बेरोजगारों किसानों के मुद्दे को संसद में उठाने की मांग की, जिसका परिणाम यह हुआ कि रीवा सीधी और सतना सांसदों ने किसानों के परिवार के लोगों को नौकरी देने का मुद्दा संसद में उठाया। किसान नेता सुब्रतमणि ने विराट 24 को धन्यवाद देते हुए सभी सांसदों का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह लड़ाई किसानों की नहीं बल्कि पक्ष विपक्ष दोनों की है। किसानों की जमीन अधिग्रहित कर ली गई, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही थी, जिसके चलते बेरोजगार घरों में बैठे हैं। उन्होंने मांग की है कि संसद में जिस तरह से बात रखी गई है, अब यह लड़ाई नौकरी दिलवाने तक जारी रहे। आपको सुनाते हैं पूरे मामले के साथ साथ सदन में उठाए गए मुद्दे को लेकर किसान नेता सुब्रतमणि त्रिपाठी ने क्या कहा है। श्री जनार्दन मिश्रा जी, धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे नियम 370 के अंतर्गत बोलने का अवसर दिया। महोदय, पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल के अंतर्गत रीवा सीधी सिंगरौली तथा सतना पन्ना नई रेल लाइन परियोजना के भूमि अधिग्रहित किसानों के आश्रितों को नौकरी देने के प्रावधान के अनुसार मैंने निर्वाचन क्षेत्र रीवा के कुछ किसानों के आश्रितों को नौकरी दी गई, परंतु अभी भी काफ़ी संख्या में नौकरी की पात्रता रखने वाले वंचित हैं। जबलपुर मंडल द्वारा ऐसे पात्र व्यक्तियों की सूची भी तैयार की गई तथा उनके दस्तावेजों का सत्यापन, पेपर स्क्रीनिंग, मेडिकल तथा नियुक्ति का संभावित शेड्यूल भी जारी किया गया, परंतु उक्त शेड्यूल के अनुसार रीवा सीधी सिंगरौली के लिए बनाई गई सूची क्रमांक 1077 से 1605 तक के नामों पर दस्तावेजों का सत्यापन व स्क्रीनिंग संभावित समय सीमा आपने लिख करके केवल दो लाइन दी है, यहाँ पर पूरा लिख के देना था। चलिए चलिए पूरा करिए। संभावित समय सीमा अगस्त 2020 से अक्टूबर 2020, मेडिकल जांच समय सीमा नवंबर 2020 से जनवरी 2021 तथा नियुक्ति की कार्यवाही की समय सीमा मार्च 21 से मई 21 तक तथा सूची क्रमांक 1808 से 1926 तक दस्तावेजों का सत्यापन एवं पेपर स्क्रीनिंग संभावित समय सीमा फरवरी 21 से अप्रैल 21, मेडिकल जांच की समय सीमा संभावित समय सीमा मई 21 से जून 21 तथा नियुक्ति की कार्यवाही की समय सीमा अगस्त 21 से सितंबर 21 से निर्धारित की गई थी, परंतु आज तक तो सूची के आधार पर चयनित व्यक्तियों की नौकरी युक्त कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदय से आग्रह है कि सूची अनुसार चयनित आश्रितों को अविलंब नौकरी दी जाए। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सभापति महोदय, आज का ये विषय मैं अपने क्षेत्र की बहुत पुरानी समस्या को लेकर फिर से उपस्थित हुई हूँ, जो सबसे बड़ी परियोजना है और बहुत पुरानी परियोजना है, और इस परियोजना के कारण हमारे सीधी जिले का सपना साकार होगा, रेल का सपना। आज तक मेरे संसदीय क्षेत्र के सीधी जिले में रेल नहीं पहुंची है सभापति महोदय, लेकिन उससे भी बड़ी जो कठिनाई आज हम सबके समक्ष आ रही है, ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी के लिए बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है। सभापति महोदय, क्षेत्रवासियों के वर्षों की आशाएँ जुड़ी हुई हैं, और सन्निवेदन में आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि उक्त परियोजना में भू अधिग्रहण के बदले रोजगार हेतु सन 2010 में जब हमारे क्षेत्र के लोगों की जमीनें ली गई थी, तो उसके तहत कम से कम 2086 लोगों ने आवेदन किया था सभापति महोदय, और जिसमें मात्र अभी तक 1153 लोगों को रोजगार मिल पाया है। मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ, माननीय रेल मंत्री के भी संज्ञान में ये विषय लाना चाहती हूँ। कल मैं उनसे मिलकर मैंने अपना आवेदन दिया था उन्हें, और आग्रह भी किया था अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से
कि 11/11/2019 में जब उन्होंने एक आदेश रेल बोर्ड की तरफ से जारी किया था, तो उस आदेश के तहत मेरे इस परियोजना में जिनकी भू अधिग्रहित हुई थी उनको नौकरियां दी जा रही थी। लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता। मैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को भी आग्रह करना चाहती हूँ, अश्विनी वैष्णव जी को भी आग्रह करना चाहती हूँ, जो इतना बड़ा मंत्रालय देख रहे हैं, रेल का मंत्रालय, और मैं उनसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि भू अधिग्रहण के बदले में नौकरियां ना बंद की जाए, रोजगार दिया जाए, क्योंकि बड़े ही कठिनाई से जो किसान हैं, जो युवा हैं, उनका परिवार, सब लोग इस प्रतीक्षा में हैं कि किस तरह से हमें इस परियोजना के बदले जो जमीनें गई हैं उसमें नौकरियां मिलेंगी। इसलिए मैं अपने पूरे संसदीय क्षेत्र की ओर से, वहां के सांसद होने के नाते और इस सदन की सदस्य होने के नाते, मैं आग्रह करती हूँ आपके माध्यम से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, हमारी सरकार को, माननीय रेल मंत्री जी को, कि भू अधिग्रहण के बदले ललितपुर सिंगरौली रेलवे परियोजना में हमारे युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाए। रेल मंत्रालय विंध्य एवं बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ललितपुर सिंगरौली रेल मार्ग का निर्माण कर रहा है। यद्यपि यह योजना बहुत विलंब से चल रही है, किसानों की जमीन का अभी तक पूरी तरह से मुआवजा भी नहीं मिला। ललितपुर सिंगरौली निर्माणाधीन रेल मार्ग में मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना का रीवा से तुर्की, सतना, नागौर, देवेंद्रनगर, पन्ना तक का मार्ग आता है। जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है उनके आश्रितों को नौकरी देने के जो आदेश इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए रेल बोर्ड ने 2010 में किया था, उसी के तहत सतना पन्ना में 1207, सतना रीवा डबलिंग में 469 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें सतना पन्ना में 276 आवेदकों को नौकरी दी गई है, जबकि इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा रीवा सतना डबलिंग में एक को भी अभी तक नौकरी नहीं दी गई, जबकि रीवा सीधी सिंगरौली के बीच 2082 लोगों के आवेदन पत्र, 1153 लोगों की नौकरी दी जा चुकी है, शेष आवेदनों में विचार बंद कर दिया गया। मेरे लोकसभा में लगाए गए अतारंकित प्रश्न का उत्तर 171 11/19 को दिया, जिनमें किसानों को भूमि अधिग्रहण की गई जमीन आश्रितों को नौकरी देने का निर्णय वापस ले लिया गया। वर्ष 2010 में रेल मंत्रालय ने एक निर्णय लिया था कि इस परियोजना में जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी उनके आश्रितों को नौकरी दी जाएगी, उसी के तहत कुछ लोगों को नौकरी भी दी गई, लेकिन शेष प्रभावित किसानों को के बच्चे भटक रहे हैं उनको नौकरी अभी तक नहीं दी जा रही। एक ही परियोजना में कुछ को लाभ दिया गया, कुछ को नहीं दिया गया, यह न्याय उचित नहीं है। मैं रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना के अंतर्गत आने वाले सभी जो किसानों के हितग्राहियों की जमीन ली गई है उनके बच्चों को नौकरी दी जाए। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन में जो किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी और नौकरी रोजगार नहीं मिल पा रहा था, उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। अभी हाल में लोकसभा में 3 सांसदों ने बात उठाई है, क्या मानते हैं कि किस मुकाम तक अभी वे पहुंचेगा और कैसे न्याय मिल पाएगा? हम आपके चैनल के माध्यम से, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जनहित के मुद्दे आप उठाते रहते हैं और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी ने बहुत ही बखूबी इसको उठाया है, और खासकर आपने तो हमेशा रेलवे के मुद्दे में किसानों की बात को आगे तक पहुंचाया है। और हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय सांसद श्री गणेश सिंह जी, सांसद सतना, माननीय सांसद श्रीमती रीति पाठक जी, सांसद सीधी, माननीय श्री जनार्दन मिश्रा जी, सांसद रीवा, सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लगातार मान लीजिए किसान परेशान थे, आपको यह जानकारी है ही सभी को कि 1984 में रीवा सतना रेल लाइन के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, और आप सोच सकते हैं 1984 से लगातार जितने रेल मंत्री हुए, माननीय जितने रेल मंत्रियों से लेके सांसद, विधायक, सभी को ज्ञापन देते रहे, सिर्फ आश्वासन मिले। इन आश्वासनों से हम लोग सबक सीख के, हमें जब ये पता चला कि रीवा ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन की आधारशिला रखी जा रही है, तभी से मान लीजिए 2008 से लगातार ज्ञापन देते रहे हैं, और भूमि का अधिग्रहण हुआ 2010 में, रेलवे ने आदेश पारित किया कि जिन किसानों के बच्चों की रोजगार, माने जमीनें गई हैं, उनको रोजगार दिया गया जाएगा। रेलवे समय समय पर अपने नियम बदलते रहे, हमें ये लगता है कि नियम तो संसद में बनते हैं, लेकिन रेलवे अपने अनुसार नियम बना बना के किसानों को गुमराह करते रहे रेलवे की तरफ से। अब हम सब किसानों ने मिलकर रीवा सीधी सिंगरौली सतना पन्ना जो रेल लाइन थी उसके लिए रीवा आए महाप्रबंधक माननीय शैलेंद्र सिंह जी, उस समय महाप्रबंधक थे, उनका घेराव किया, उनको ज्ञापन दिया, उसके बाद रेलवे की हमें वहां से पत्र आया, रेलवे की वेबसाइट में अपलोड किया गया कि रीवा सतना सीधी सिंगरौली नई रेल लाइन और सतना पन्ना नई रेल लाइन से प्रभावित किसानों के बच्चों के रोजगार
के लिए वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है और वेबसाइट में अपलोड किया गया, कुछ बच्चों को रोजगार दिया गया, फिर प्रक्रिया को बंद कर दी गई। हम लोगों ने उसके बाद लगातार धरने, प्रदर्शन और माननीय आयुक्त महोदय के माध्यम से माननीय सभी अपने जितने लोकसभा सदस्य हैं, राज्यसभा में सदस्य हैं, सभी को ज्ञापन, माननीय जितने विधायक हैं, आप सोच सकते हैं 15 से 16 हमारे माननीय विधायक हैं ललितपुर सिगरौली रेल लाइन, साया सीधी, सतना, सिगरौली, सतना, पन्ना से सबको ज्ञापन भेजा गया और महाप्रबंधक जी पुनः अभी सतना आए थे, उनका अभी हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया, उनसे अनुरोध किया कि किसानों के बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। अभी माननीय संसद, हमारे यहाँ के संसद ने सदन में ये बात रखी, क्योंकि किसान लगातार ज्ञापन देकर मांग करते रहे अपने माननीय संसदों से कि सदन में ये बात रखें और माननीय संसदों ने हमारी बात सदन में रखी। सबसे पहले माननीय गणेश सिंह जी ने, उसके बाद माननीय श्री रीति पाठक जी ने और हमारे अब माननीय जनार्दन मिश्रा जी ने सदन में बात रखी किसानों की। आप सोचिए, जिन किसानों की जमीनें गई हैं, भूमि जिनका अधिग्रहण हुआ है, वो किसान ही दर्द जानते हैं। आप सोच सकते हैं उनके भूमि का अधिग्रहण हो और उन्हें रोजगार न मिले, ये कहां का न्याय है। हमारे माननीय जनों ने सदन में रखा है, हम आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी माननीय जनों से एवं सतना खजुराहो लोकसभा सांसद माननीय श्री वीडी शर्मा जी से भी मांग करते हैं कि आप प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और किसानों की बात रखिए। किसानों ने जमीनें किसानों ने अपनी दी हैं, रेल चलेगी ही, लेकिन किसानों के बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। कहा जाता है 2019 तक, तो हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय केंद्र मंत्री, माननीय केंद्रीय रेल मंत्री जी और माननीय महाप्रबंधक जी से मांग करते हैं कि ललितपुर सिगरौली रेल लाइन का जब से शिलान्यास हुआ है उसके बाद भू अधिग्रहण आज तक चल रहा है, उसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। 2019 का कोई नियम न लगाइए। रीवा सीधी सिगरौली और सतना पन्ना रेल लाइन से विस्थापित किसान परिवार के बच्चों को, साथ ही सतना रीवा लिंक के योजना से प्रभावित, दोहरीकरण से प्रभावित सभी बच्चों को रोजगार दीजिए। हम अपने माननीय संसदों से पुनः आग्रह करते हैं कि जितने जगह से ट्रेन की लाइनियां पटरियां गुजरी हैं उन गांवों में एक कैंप लगवाइए। कैंप लगवाएंगे तो सामने आ जाएगा, बहुत सारे किसान हैं जिनके आपसी बटनवारा के और उनके प्रकरण लंबित है, कुछ के उम्र अंडर एज होने के कारण भी उनके प्रकरण लंबित हैं। तो हर गांव में जहां से भी भूमि अधिग्रहण किया गया है ललितपुर सिगरौली रेल लाइन के लिए, सतना पन्ना सीधी और सिगरौली, सब जगह कैंप गांव में लग जाएंगे तो बस तो इसके सामने आ सवाल तो उठाए गए, जवाब क्या मिला है, रेल मंत्री ने क्या जवाब दिया है? अभी रेल मंत्री का जवाब तो सदन में हमने सुना नहीं है और पता भी नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हम सब किसानों को कम से कम इतनी खुशी तो जरूर है कि सत्ता पक्ष में रहते हुए हमारे जनप्रतिनिधियों ने आवाज उठाई है और हम उनसे विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि आवाज ही नहीं, किसानों को रोजगार दिलवाएं। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए विराट 24 न्यूज चैनल को YouTube, Facebook में लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।